हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नये शेख और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपने वेबसाइट पर एसईओ कर सकते हैं और अपने आर्टिकल्स के एसईओ स्कोर बढ़ाकर गूगल में फर्स्ट पेज पे रैंक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एसईओ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपने वेबसाइट पर एसईओ प्लगइन सेटअप कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम कुछ बेसिक एसईओ सेटिंग्स देखेंगे, जैसे कि सेटिंग फोकस कीवर्ड, एडिटिंग स्निपेट, ऑप्टिमाइजिंग टाइटल एंड कॉन्टेंट एक्सेट्रा। फिर हम कुछ एडिशनल एसईओ सेटिंग्स अपने वेबसाइट के आर्टिकल पे करेंगे, जैसे कि ऑप्टिमाइजिंग सब हेडिंग्स, कीवर्ड डेंसिटी, पर्मलिंक ऑप्टिमाइजेशन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स एक्सेट्रा। और उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपने आर्टिकल्स के टाइटल और कंटेंट रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों के साथ इस वीडियो में हम इमेज और प्रोडक्ट एसईओ ऑप्टिमाइजेशन भी सीखेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू कर दें। सबसे पहले तो आपको आपके पास एक वर्डप्रेस वेबसाइट होनी चाहिए। अगर आपके पास पहले से एक वर्डप्रेस वेबसाइट नहीं है तो आप अपने मेरे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, या फिर आप सिंपली यूट्यूब पर ये चीज़ टाइप करेंगे, नयश शेख, और आप फ्री में चाहे तो ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर फ्री वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप टाइप करें नयश शेख फ्री, आप देखेंगे मैंने फ्री में सिखाया है कैसे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर सकता है, कैसे कोई एक सिंपल बिजनेस वेबसाइट क्रिएट कर सकता है, कैसे सिंपल ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट कर सकता है। ये सब चीज़ें मैंने फ्री में सिखाई है। मतलब वीडियो तो फ्री है ऑब्वियसली, बट उसके साथ साथ जो भी चीज़ें उस वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए यूज़ की है वो भी फ्री है, जैसे कि फ्री थीम, फ्री प्लगइन्स और फ्री पेज बिल्डर। सो मेक श्योर अगर आपके पास पहले से कोई वेबसाइट नहीं है या फिर आपके पास वेबसाइट है बट उतनी अच्छी नहीं है, सो आप जरूर इन ट्यूटोरियल्स को देखें और एक अच्छी सी खूबसूरत सी प्रोफेशनल वेबसाइट पहले बना ले। उसके बाद आप अपने डैशबोर्ड पे आ जाइए। अभी यहां पर हमें एक नया प्लगइन इंस्टॉल करना है ताकि हम एसईओ के सेटिंग्स कर सके। उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको प्लगइन्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर हावर करें, मतलब अपने माउस कर्सर को उस पर लेके जाइए और एड न्यू प्लगइन पे क्लिक करें। हमें एक नया प्लगइन इंस्टॉल करना होगा उसके लिए, और यहाँ सर्च प्लगइन में आप सिंपली एसईओ टाइप कीजिए। अगर आप एसईओ टाइप करेंगे आप देखेंगे हज़ारों डिफरेंट प्लगइन्स अवेलेबल है एसईओ के लिए। इसमें से कुछ अच्छे प्लगइन्स भी है, जैसे कि योस्ट एसईओ बहुत ही अच्छी प्लगइन है, फ्री प्लगइन है और सबसे फेमस प्लगइन है। 5 मिलियन से ज़्यादा, 50 लाख से ज़्यादा वेबसाइट्स पे अभी ये प्लगइन इंस्टॉल्ड और एक्टिवेटेड है। उसके बाद ऑल इन वन WPSEO भी बहुत ही अच्छी, बहुत ही फेमस प्लगइन है। और थर्ड प्लगइन जो एक नई प्लगइन है बट बहुत ही अच्छी प्लगइन है, और ये है वर्डप्रेस SEO प्लगइन बाय रैंक मैथ। और इसी प्लगइन को हम इस वीडियो में यूज़ करने वाले हैं, बिकॉज इसकी सबसे खास बात ये है कि ये प्लगइन एलिमेंटर से भी रिलेटेड है। मतलब एलिमेंटर को अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसके साथ साथ आप इस प्लगइन को यूज़ करेंगे, और मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा और सिखाऊंगा वो आप कैसे कर सकते हैं। सो आपको एक काम करना है, इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है। सो यहाँ पर आपको इंस्टॉल नाउ बटन मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर दूसरे प्लगइन्स में मिल रहा है। उसके बाद जैसे आप इसे इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आपको एक्टिवेट का बटन मिलेगा। जब आप एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये ऑप्शन मिलेगा रैंक मैथ, आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में। आप सिंपली उस पर क्लिक करें, या फिर एक काम करें आप उस पर हावर करके ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करें डैशबोर्ड पे, बिकॉज यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेटअप विजर्ड। जैसे ही आप इस प्लगइन को एक्टिवेट करेंगे ये ऑप्शन आपके लिए ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। बट अगर ये ऑटोमेटिकली नहीं आता है, जो मैंने आप अभी आपको दिखाया है, आप उस स्टेप को करेंगे सो आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें एक इस सेटअप को करना है, उसके लिए आप एक काम करेंगे, पहले तो आप देख लें कि आपका वेबसाइट कंपैटिबल है कि नहीं है रैंक मैथ एसईओ प्लगइन के लिए। उसके बाद आप अगर इस मोर पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको दिखाएगा। अब ये ज़्यादातर आपके होस्टिंग पे डिपेंड करता है। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा ज़्यादातर लोगों को कि आप लोग अगर पहले से वेबसाइट नहीं क्रिएट किए हैं, या फिर अगर आप लोग होस्टिंग चूज़ किए हैं होस्टगेट और ब्लूहोस्ट टाइप की होस्टिंग, मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा आप ज़रूर साइटग्राउंड होस्टिंग या फिर इस तरीके की कोई टॉप लेवल होस्टिंग, A2 होस्टिंग, साइटग्राउंड होस्टिंग, ये सब बेस्ट होस्टिंग्स अवेलेबल हैं। इनको यूज़ करें, इसमें आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी, सो आपको कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी यहाँ पर आप सेट स्टार्ट विजिट पे क्लिक कर दें। अभी यहाँ आपको अपने वेबसाइट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले कि आपका ये जो वेबसाइट है ये क्या है, क्या ये ब्लॉग है या फिर एक ई कॉमर्स वेबसाइट है या फिर एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है। अगर एक ये ब्लॉग है, सिंपल ब्लॉग है, आप पर्सनल ब्लॉग को सिलेक्ट कर लें। अगर आपका ये ई कॉमर्स वेबसाइट है आप वेब शॉप को सिलेक्ट कर लें। इस एग्जाम्पल में मेरे लिए ये एक पर्सनल ब्लॉग है, सो मैं पर्सनल ब्लॉग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी आप अपना गूगल के लिए जो भी आप लोगो अपलोड करना चाहते हैं, बेसिकली जो आपका वेबसाइट का लोगो है वो यहाँ पर अगर आपने पहले अपलोड कर रखा है यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अगर आपने अपलोड नहीं किया है सो आप अपना लोगो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट सोशल शेयर इमेज, यहाँ पर कोई इमेज आपके वेबसाइट से रिलेटेड अपलोड कर लें।
मतलब जैसे कोई आपके वेबसाइट का लिंक शेयर करेगा फेसबुक, ट्विटर या इस तरीके के दूसरे वेबसाइट्स पे, सो आपको ये लिंक के साथ ये इमेज भी डिस्प्ले होगी। सो ये इमेज आप यहाँ पर अपलोड कर लें और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अभी सेकेंड स्टेप में हमें गूगल सर्च कॉन्सोल से अपने वेबसाइट को लिंक करना है। सो यहाँ पर आपको मुझे डी ऑथराइज का ऑप्शन आ रहा है, आपको यहाँ पर ऑथराइज का ऑप्शन आना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसे डी ऑथराइज कर देता हूँ और अब मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको अपना सर्च कॉन्सोल का आईडी डालना होगा। उसके लिए आप ये वाले लिंक को नए टैब में ओपन कर दें और एक काम करें, ये लिंक को नए टैब में ओपन रहने दें और एक नए टैब में दूसरा लिंक ओपन करें। गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए गूगल सर्च कॉन्सोल, आपको ये ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट वाले लिंक को ओपन करें या फिर आप सिंपली ये टाइप करें search.google.com, आप इस पेज पे आ जाएंगे। अभी स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दें और यहाँ पर आपको कोई भी एक ईमेल एड्रेस पूछेगा। अगर आपके पास मेरी तरह अगर 10-12 ईमेल एड्रेस पहले से ओपन है, सो आपको ईमेल एड्रेस पूछेगा कोई ईमेल एड्रेस चूज़ करने के लिए। जैसे आप वो ईमेल एड्रेस चूज़ कर लेंगे, आपको ये ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा, आपका प्रॉपर्टी एडेड है। अगर आपका ये प्रॉपर्टी एडेड नहीं है, आप ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करें, आपको ये ऑप्शन मिलेगा। सेकेंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले URL प्रीफिक्स पे और यहाँ पर अपने वेबसाइट का लिंक, ये जो लिंक है इसे इस तरीके से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। मेरे लिए ओनरशिप ऑटोमेटिकली वेरीफाइड हो गई है, बट अगर आपके लिए नहीं हो, आप गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक कर दें। अभी जैसे आप गो टू प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपका वेबसाइट, आपकी प्रॉपर्टी यहाँ पर लिस्टेड हो चुकी है। अभी आपको क्या करना है, फिर से इस सेटअप वाले पेज पे आना है। अभी इस लिंक को नए टैब में ओपन करें, इस पे राइट क्लिक करके नए टैब में ओपन करें। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, जो भी ईमेल एड्रेस आपने यहाँ चूज़ किया था वो ईमेल एड्रेस यहाँ से चूज़ कर लें। बेसिकली आपने जो भी ईमेल एड्रेस इस टैब में ओपन किया था, सेम ईमेल एड्रेस यहाँ पर ओपन कर ले। यहाँ पर आपको ये लिंक, ये कॉपी करना जो है, ये चीज़ आपको कॉपी करने की ऑप्शन आ जाएगी, इसे कॉपी कर ले। यहाँ पर इसे आके पेस्ट करके ऑथराइज पे क्लिक कर दे। अभी आप देखेंगे आपका प्रॉपर्टी, आपकी वेबसाइट प्रॉपरली ऑथराइज हो चुकी है, इसलिए आपको डी ऑथराइज का ऑप्शन मिल रहा है। अभी आप सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। और ये तो अगर आपको आपका वेबसाइट यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका वेबसाइट नेम अभी शो करना चाहिए बिकॉज हमने ये प्रॉपर्टी अभी ऐड की है, बट अगर आपको ये वेबसाइट यहाँ पर नज़र नहीं आए, आपको बॉटम में नीचे ये ऑप्शन मिलेगा, ये क्लिक हेयर का लिंक मिलेगा, इसे नए टैब में ओपन कर दे इस तरीके से। और यहाँ पर कुछ कोड पहले से प्रेजेंट होना चाहिए, अगर ये कोड प्रेजेंट नहीं है, आप इसके नीचे एक और लिंक दी हुई है, इस लिंक को नए टैब में ओपन कर दें। अभी आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके से लिंक नज़र आएगा। अभी आप चाहें तो ये जो कोड है आप देख सकते हैं, इतना कोड ये आपको यहाँ पर एंटर करना है, या तो आप चाहें तो ये पूरा कोड यहाँ पर एंटर कर दें इस तरीके से, ये जो पूरा कोड है मेटा का कोड, या फिर इसके बीच में जो एक कॉन्टेंट का कोड है, सिर्फ इतने को आप कॉपी कर लें और यहाँ पर आके इसे एंटर कर दें। तो अगर आप इसे पूरा कॉपी करके यहाँ पर आके पेस्ट करें, नीचे आके अगर इसे सेव चेंजेस करें, आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली उतना सेक्शन जो था उतना ये ले लेगा। सो जब आप ये कर देंगे, उसके बाद आपको आपका वेबसाइट यहाँ पर नज़र आना चाहिए। फिर भी नज़र नहीं आया तो सिंपली इस पेज को रिफ्रेश कर दें, उसके बाद ये नज़र आएगा। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। गूगल सर्च कॉन्सोल जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उससे क्या होता है, जब आप अपने वेबसाइट से गूगल सर्च कॉन्सोल को लिंक कर देते हैं, अभी गूगल का जो सर्च इंजन का जो मेन सेटिंग है, वो आपके वेबसाइट को ऑटोमेटिकली हमेशा रिफ्रेश करता रहेगा, चेक करता रहेगा। जब भी आप नए आर्टिकल पोस्ट करेंगे, उसे वो ईजिली रीड कर सकता है और उससे इससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और आपका प्रोसेस और भी सिंपल हो जाता है। वो गूगल का ही एक प्रोडक्ट है। अभी थर्ड स्टेप में साइट मैप का ऑप्शन रहेगा। मेक श्योर कि ये साइट मैप का ऑप्शन यहाँ पर ऑन है और आपका इमेज भी इंक्लूडेड, ये भी ऑप्शन ऑन है ताकि इमेज को भी साइट मैप इंक्लूड कर सके। उसके बाद बॉटम में फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। फिर आपका फोर्थ ऑप्शन आएगा, ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन। तीनों चीज़ों को इस तरीके से ऑन रहने दें और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। अभी आप देखेंगे ये आपका इस तरीके से सेटअप हो गया कंप्लीट। अभी आप रिटर्न टू डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, इसी के साथ आपका ये प्लगइन हो गया सेटअप। अभी हम एक काम करते हैं, फिर से आप पोस्ट पे जाइए। अभी पोस्ट पे ये सब जो आर्टिकल्स आपने लिखे हैं, उन वो सब आर्टिकल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी आप देखेंगे हर आर्टिकल के साइड में एक नया ऑप्शन आएगा, SEO डिटेल्स, और यहाँ पर आपके जो SEO रैंक है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये फॉर एग्जाम्पल इस आर्टिकल का SEO रैंक 26 है 100 में से, जो बहुत ही गंदी रैंकिंग है। आपकी रैंकिंग और भी ख़राब होगी अगर आपने अच्छी आर्टिकल नहीं लिखी है तो। अगर आपने अच्छी आर्टिकल लिखी है अच्छे से, हर चीज़ ऑप्टिमाइज्ड है, सो आपकी रैंकिंग, डिफ़ॉल्ट रैंकिंग थोड़ी इंप्रूव रहेगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसे आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। इसके लिए आप इस
ऑप्शन को एडिट करें, इस पेज को एडिट करें। अभी इसे ऑप्टिमाइज करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपने अपना पोस्ट कैसे लिखा है। बहुत सारे लोग अपना पोस्ट वर्डप्रेस एडिटर पे लिखते हैं जो डिफ़ॉल्ट एडिटर होता है, और उसके बाद से वर्डप्रेस 5 के बाद से जब से ये गुटेनबर्ग आया है बहुत सारे लोग अपना आर्टिकल्स गुटेनबर्ग पे लिखते हैं, और बहुत सारे लोग अपनी आर्टिकल्स एलिमेंटर पे लिखते हैं। सो तीनों लोगों के लिए तीन तरीके हैं, बट तीनों के लिए स्टेप्स सेम है। फॉर एग्जांपल ये है आपका डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस एडिटर। सो जब आप डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस एडिटर में देखेंगे यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा SEO स्कोर का। फॉर एग्जाम्पल समझ जाइए यहाँ पर आपका आर्टिकल लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड से आप अपने SEO स्कोर पे क्लिक करेंगे, ये आपका ये गुटेनबर्ग के लिए है, डिफ़ॉल्ट एडिटर के लिए नहीं। पहले मैं आपको गुटेनबर्ग दिखा देता हूँ, और अभी राइट हैंड साइड पे आपको ये सब ऑप्शंस मिलेंगे। अभी ये सब ऑप्शन को कैसे ऑप्टिमाइज करना है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, बट आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे आपको ये ऑप्शन मिल गया। और जो लोग वर्डप्रेस एडिटर यूज़ कर रहे हैं उन लोगों को यही ऑप्शन सबसे नीचे मिलेगा, जैसे कि ये इमेज ओशन WP का सेटिंग है, इसी तरीके से वो ऑप्शन नीचे बॉटम में मिलेगा। ओके, और जो लोग एलिमेंटर यूज़ कर रहे हैं वो सिंपली एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है सबके लिए सेम है, उनको कैसे अभी ऑप्टिमाइज़ करना है मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा अभी आपका ये आर्टिकल जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एलिमेंटर को यूज़ करके हमने लिखा है। अभी एलिमेंटर में वो ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन आपको यहाँ पर है, आप देख सकते हैं पहले तो एलिमेंट का ऑप्शन है, फिर ग्लोबल का ऑप्शन है, उसके बाद SEO का ऑप्शन है। सेम ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। सो ये SEO से रिलेटेड ऑप्शंस है, जो भी ऑप्शन चाहे आप गुटेनबर्ग यूज़ करें, वर्डप्रेस एडिटर जो डिफ़ॉल्ट एडिटर है वो यूज़ करें, या फिर एलिमेंटर, या फिर कोई दूसरी चीज़ें यूज़ करें, ऑप्शंस आपके सब के सब सेम रहते हैं। अभी चलिए सबसे पहले कोई भी पोस्ट को आप लिखते हैं सो उसका एक मेन सब्जेक्ट होता है, सो हमें वो सब्जेक्ट ढूंढना है और हमें कीवर्ड ढूंढना है जिसके लिए हम इस सब्जेक्ट को या फिर इस पोस्ट को रैंक कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखें, ये आर्टिकल में मैंने क्या किया है, मैविक प्रो ड्रोन रिव्यू, एक ड्रोन है ये, मैविक प्रो का ड्रोन है, इसे मैंने रिव्यू किया है। सो मेरा मेन कीवर्ड क्या हो सकता है, SEO पे क्लिक करें, मेरा कीवर्ड हो सकता है या तो मैविक प्रो, फॉर एग्जाम्पल मैविक प्रो हो सकता है, या फिर हो सकता है DJI मैविक प्रो, ये एक कीवर्ड हो सकता है मेरा। सो मैं एक काम करता हूँ, मैं मैविक प्रो की जगह DJI मैविक प्रो यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, ये मेरा कीवर्ड हो गया। ऑलराइट, अभी आप देखेंगे अभी भी मेरा स्कोर बहुत ख़राब है, 26% स्कोर ही है। अगर मैंने इसे एक काम करता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, फिर से मैं टाइप करता हूँ DJI मैविक प्रो। जब आप टाइप करेंगे ये सब आपको नीचे गूगल से, बिकॉज ये लिंक्ड है, आपको ये सब सजेशन भी मिलेंगे। अगर मैं DJI मैविक प्रो सेलेक्ट करूँ, देखते हैं हमारा स्कोर 26 से बढ़कर 34 हो गया। आप चाहें तो कई सारे इसमें तकरीबन 5 डिफरेंट फोकस कीवर्ड्स सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप एक ही आर्टिकल को 5 फोकस कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज़ कर सके। अभी फोकस कीवर्ड क्या होता है, फोकस कीवर्ड ये होता है जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि जो आपका आर्टिकल है उसका मेन सब्जेक्ट, मतलब गूगल में कोई वो चीज़ टाइप करे जिसके लिए आप चाहते हो आपका वेबसाइट रैंक करे। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई गूगल में टाइप करे DJI मैविक प्रो, मेरा ये आर्टिकल ऊपर रैंक करे, वो होता है आपका फोकस कीवर्ड। सो उसी हिसाब से अपने फोकस कीवर्ड को आप सेट कर सकते हैं, आप कई सारे फोकस कीवर्ड यहाँ पर डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा फोकस कीवर्ड हो सकता है मैविक प्रो, सो ये दो फोकस कीवर्ड मैंने डाल दिया। अगर मैं सेकंड वाले फोकस कीवर्ड पे क्लिक करूँ, आप देखेंगे अभी नीचे के ऑप्शंस चेंज हो गया, बेसिक SEO में लिख के आ रहा है ऑल गुड, फर्स्ट वाले पे अगर मैं क्लिक करूँ बेसिक SEO में 4 एरर आ रहे हैं। मतलब आप इस तरीके से कई सारे फोकस कीवर्ड सेट कर सकते हैं और हर फोकस कीवर्ड के हिसाब से नीचे की सेटिंग्स कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए हम इससे शुरू करते हैं। DJI मैविक प्रो को मैंने अपना मेन फोकस, जो यहाँ पर जो आप फर्स्ट कीवर्ड टाइप करेंगे ये आपका प्राइमरी कीवर्ड होगा, मेन कीवर्ड। उसके बाद जितने भी आपने 3-4 और कीवर्ड टाइप किए वो आपका सेकेंडरी कीवर्ड हो जाएगा। राइट, अभी यहाँ पर कीवर्ड टाइप करते वक्त आप जो बेसिक वर्ड होते हैं एट, इफ, इस टाइप के वर्ड को आप इग्नोर करें, देन, एट, इफ, वो सब चीज़। ओके, सी बेसिक जो मेन कीवर्ड है बस उसको टाइप करें। अभी सबसे पहला हम बेसिक कीवर्ड को देख लेते हैं, बेसिक SEO को देख लेते हैं। सो बेसिक SEO में सबसे पहले हमें क्या करना है, फोकस कीवर्ड शुड अपीयर, इट डज नॉट अपीयर इन द SEO टाइटल, मतलब फोकस कीवर्ड शुड अपीयर इन द SEO टाइटल। आपका SEO टाइटल क्या है, जो आपका पोस्ट का टाइटल होता है, ये हमारे पोस्ट का टाइटल है। सो आपको अपने पोस्ट के टाइटल को चेंज करना है, वो चेंज करने के लिए आप कैसे करेंगे, आपको बॉटम में लेफ्ट में आपको ये सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, पोस्ट का ऑप्शन। दो ऑप्शन है, या तो आप चाहें तो आप अपने वेबसाइट पे जाइए, इस वेबसाइट के डैशबोर्ड को नए टैब में ओपन कर लीजिए, पोस्ट पे क्लिक करें, इस आर्टिकल को हम यहाँ से चेंज कर रहे हैं। आप देखेंगे इसका टाइटल यहाँ पर लिख के आ रहा है
मैविक प्रो ड्रोन रिव्यू, आप देख सकते हैं सेम आर्टिकल मैविक प्रो ड्रोन रिव्यू। सो आप चाहे तो यहाँ से इसके टाइटल को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, या फिर आपको शॉर्टकट करना है तो इसी पेज से आप इस पर क्लिक करें, बॉटम लेफ्ट में जो गियर आइकन है सेटिंग्स का उस पर क्लिक करें और आप देख सकते हैं यहाँ से आप इस टाइटल को चेंज कर सकते हैं। सो हमारा कीवर्ड था DJI Mavic Pro। सो अगर मैं Mavic Pro के पहले DJI टाइप कर दूं और इसे अपडेट कर दूं, सो हमारा स्कोर बढ़ जाएगा। अभी फिर से अगर आप SEO पे आए, आप देखेंगे आपका स्कोर डायरेक्टली 73 हो गया, 35-36 कुछ स्कोर था और फोकस कीवर्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका स्कोर डायरेक्टली 73 पे आ चुका है। और पहले ये रेड दिखा रहा था मतलब बहुत ही गंदा था, अभी ऑरेंज दिखा रहा है मतलब कुछ हमने इसे इम्प्रूव किया है, अभी और भी इम्प्रूव करेंगे। सो इसे हमें ग्रीन बनाना होता है। ओके, सेकेंड ऑप्शन है फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन योर SEO मेटा डिस्क्रिप्शन, तो इसे इम्प्रूव करते हैं या फिर इसे फिक्स करते हैं। उसके लिए आप एक काम करें, ये आपका ये स्निपेट आप देख सकते हैं, स्निपेट क्या होता है, पहले तो आप इस पर क्लिक करें एडिट स्निपेट पे, मतलब जब कोई भी गूगल पे DJI Mavic Pro टाइप करेगा तो आपका जो सर्च रिजल्ट होगा वो इस तरीके से नज़र आएगा। सबसे ऊपर आपका ये ऑप्शन है, आपका ये टाइटल है, उसके बाद आपका ये परमालिंक है और उसके बाद आपका ये जो ऑप्शन है ये आपका है मेटा डिस्क्रिप्शन। सो हमारा टाइटल, हमारा जो फोकस कीवर्ड है इस डिस्क्रिप्शन में, मेटा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल नहीं है। सो आप देख सकते हैं ये है आपका डिस्क्रिप्शन। सो मैं यहाँ पर अपने मैविक के आगे DJI Mavic Pro टाइप कर देता हूँ और इसके बाद हम फिर से पीछे आ जाते हैं। अभी आप देखेंगे आपका स्कोर हो गया 35 और सेकेंड वाला ऑप्शन भी टिक मार्क हो गया, ग्रीन हो गया है। थर्ड ऑप्शन है फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन दी URL। URL क्या है, जैसे कि आपका पोस्ट आप देखेंगे ये आपका पोस्ट है, टाइटल है और उसके टाइटल का ये लिंक होता है URL होता है। सो ये URL क्या होता है, बस आपका सेम टाइटल जो है वही चीज़ URL में होती है। सो हमें URL को यहाँ से हटाना है या फिर इसे इम्प्रूव करना है, वो भी आप कैसे कर सकते हैं, इस पोस्ट के पेज पे आके राइट हैंड साइड में अगर आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर परमालिंक ऑप्शन है राइट हैंड साइड में परमालिंक, और URL स्लग में लिखा हुआ है DJI नहीं है, यहाँ पर लिखा है Mavic Pro Drone Review। सो Mavic Pro से पहले मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ DJI Mavic Pro। ओके, सो इसके बाद फिर से अपडेट करें, यहाँ पर आके इसे भी अपडेट करें। अभी इसको इसके चेंजेस को देखने के लिए हमें पहले इस पोस्ट को रिफ्रेश करना होगा, तो चलिए इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। ऑलराइट, सो ये रिफ्रेश हो गया, अभी आप देखेंगे आपका टाइटल भी यहाँ पर चेंज है DJI Mavic Pro। अभी अगर हम फिर से SEO पे जाए, आपका स्कोर हो गया 80। ओके, और आप देख सकते हैं यहाँ फोकस कीवर्ड इज ऑल्सो फाउंड इन URL। उसके बाद फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ द कंटेंट, मतलब जो ही आप कंटेंट लिख रहे हैं, जो आपका मेन कंटेंट है, इससे इसमें भी फोकस कीवर्ड आपका बिल्कुल शुरू में आना चाहिए। सो हमने तो यहाँ पर Mavic Pro टाइप किया है, मैं यहाँ Mavic Pro की जगह यहाँ भी DJI Mavic Pro कर देता हूँ, फिर देखते हैं शायद इम्प्रूव हो जाना चाहिए। SEO में आप देखेंगे ये हो गया 83, मतलब जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ में ही हमारा ये जो टाइटल था या फिर ये कीवर्ड था वो आ चुका है। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो कीवर्ड है वो एकदम सबसे पहले आप उसी वो फर्स्ट आप उसी से शुरू करें यहाँ पर, मतलब फर्स्ट लेटर आप वही लेटर या फर्स्ट वर्ड आप वही वर्ड लिखे, ये ज़रूरी नहीं है। मतलब है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड लाइन में आपका ये कीवर्ड आप ज़रूर अपने कॉन्टेंट में लेके आ जाइए। ऑलराइट, उसके बाद हमारा ऑप्शन है फोकस कीवर्ड अपीयर्स इन द फर्स्ट 10% ऑफ द कंटेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया ये हमारा कंटेंट है, मतलब शुरू में ही 10% में, मगर मतलब अगर आपने 10 पैराग्राफ लिखे हैं सो पहले पैराग्राफ में ही आपका फोकस कीवर्ड आ जाना चाहिए। अगर आपने 20 पैराग्राफ लिखे हैं सो पहले या दूसरे पैराग्राफ में ज़रूर आपका फोकस कीवर्ड आ जाना चाहिए, इसका ये मतलब होता है। ऑलराइट, उसके बाद हमारा एक चीज़ पहले से टिक मार्क है फोकस कीवर्ड फाउंड इन द कंटेंट, मतलब जो आपने कंटेंट लिखा है कहीं ना कहीं आपको ये फोकस कीवर्ड, जो भी फोकस कीवर्ड आपने सेट किया है वो ज़रूर मौजूद होना चाहिए। अभी कंटेंट इस 820 वर्ड्स लॉन्ग, गुड जॉब, बट आप इसे इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब हमारा कंटेंट 820 वर्ड्स का है, कम से कम मैं आपको रेकमेंड करूँगा आपका कंटेंट होना चाहिए 1000 वर्ड्स का, और उससे ज़्यादा होगा तो और बेहतर है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी अच्छा नहीं है, बट कम से कम 1000-2000 वर्ड के बीच का अगर आपका कंटेंट है तो अच्छा है। अगर मैं एक काम करूँ, इस कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर लूँ, ऑब्वियसली आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। अभी आप देखेंगे हमारा कंटेंट हो गया 1062 वर्ड्स का, भी वो रेड की जगह हो गया येलो, मतलब ठीक है। अगर मैं फिर से इसे थोड़ा डुप्लीकेट करके इसका लेंथ को या फिर इसके साइज़ को और बढ़ाऊं, अभी हम देखते हैं 1300। सो ये और भी आपके लिए बेटर है और आपके स्कोर इस तरीके से और बढ़ते रहेंगे। सो अगर आपका कॉन्टेंट थोड़ा बड़ा है तो और अच्छी बात है। जो भी आप चेंजेस करें हमेशा इसे अपडेट करना ना भूलें।
अभी हम नेक्स्ट पे, ये था आपका बेसिक एसईओ। अभी हम नेक्स्ट चलते हैं कुछ एडिशनल एसईओ। सबसे पहला ऑप्शन फोकस कीवर्ड फाउंड इन सब हेडिंग। सब हेडिंग्स क्या है, जैसे कि हमने ये सब ऑप्शंस यूज़ किए हैं, यहाँ पर मैंने सब हेडिंग यूज़ किया है, यहाँ पर मैंने सब हेडिंग यूज़ किया। सब हेडिंग आप कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि जब भी आप कुछ टाइप करना चाहते हैं एलिमेंटर में, आप हेडिंग को इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें, ये आपका सब हेडिंग हो गया। यहाँ पर HTML टैग में H2, H3, H4 कुछ भी सेलेक्टेड होना चाहिए, वो आपका सब हेडिंग हो जाएगा। और इसे अगर आप यहाँ पर करना चाहें, मैं एक नया पोस्ट क्रिएट करके दिखाता हूँ Gutenberg में आप इसे कैसे करेंगे। Gutenberg में तो और भी सिंपल है, आप सिंपली प्लस पे दबाएंगे और यहाँ पर हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, ये आपका हेडिंग हो जाएगा। और अगर आप यूज़ कर रहे हैं क्लासिक एडिटर, तो उसके लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्लासिक एडिटर में आप कैसे करेंगे। क्योंकि आपका क्लासिक एडिटर कुछ इस तरीके से नज़र आता है। सो क्लासिक एडिटर में आप सब हेडिंग जो भी टाइप करें उसको अगर आप सब हेडिंग बनाना चाहते हैं, इसे इस तरीके से टिक मार्क करके हेडिंग टू सेलेक्ट कर ले, ये आपका सब हेडिंग बन जाएगा। सो तीनों ऑप्शन में आपको आप देख सकते हैं इस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ सब हेडिंग में भी आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए। इसे आप किस इस तरीके से डाल सकते हैं, DJI Mavic Pro फीचर्स। सो आप इस तरीके से कुछ डाल दें, उसके बाद अगर आप इसे अपडेट करें, फिर से SEO पे जाएं और एडिशनल SEO में जाएं, अभी आप देखेंगे फोकस कीवर्ड आपका सब हेडिंग, बिकॉज हमने सब हेडिंग यहाँ पर यूज़ किया है, वहाँ पर अवेलेबल है। सेकेंड ऑप्शन है फोकस कीवर्ड फाउंड इन इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट। अभी मैं आपको इमेज से रिलेटेड SEO दिखाने जा रहा हूँ। इमेज SEO भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज अगर आप फॉर एग्जांपल गूगल पे जाते हैं google.com और कुछ सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर WordPress सर्च करूँ, अभी आप देखेंगे ये जो रिजल्ट्स है ये उस SEO से हो रहे हैं जो अभी हम कर रहे हैं, बेसिक SEO। बट अगर आप इमेजेस पे क्लिक करते हैं तो ये जो इमेजेस अभी रेट हो रहे हैं यहाँ पर, ये आपके पोस्ट के हिसाब से नहीं, ये इमेज के हिसाब से रेट हो रहे हैं। मतलब ये इमेजेस पे जो जो टेक्स्ट अवेलेबल है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा वो कैसे रेट होते हैं, अगर आप इस इमेज पे क्लिक करें तो आप देखेंगे ये जो इमेजेस रैंक हो रहे हैं, ये सब जो इमेजेस रैंक हो रहे हैं ये आपके इमेज SEO के जैसे रैंक हो रहे हैं। सो इमेज के लिए भी SEO करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बहुत बार क्या होता है, जैसे कि इमेज पे जब भी कोई क्लिक करता है ये लिंक ओपन हो जाती है। सो इस लिंक के थ्रू आपको और भी ज़्यादा ट्रैफिक मिल सकती है। मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, जो सबसे फर्स्ट वेबसाइट मैंने क्रिएट की थी कई साल पहले, उस टाइम लोग बहुत ज़्यादा SEO पे ध्यान नहीं देते थे, खास करके इमेज SEO पे। सो मैंने इमेज SEO पे ध्यान देना शुरू किया, मैंने हर इमेज पे ऑल टेक्स्ट, उसके कैप्शंस, उसके डिस्क्रिप्शन, उसके टाइटल बहुत अच्छे तरीके से SEO फ्रेंडली लिखे। और मैंने देखा गूगल एनालिटिक्स में कि मुझे इमेज के थ्रू बहुत सारी ट्रैफिक आने लग गई मेरे वेबसाइट पे। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी आप इमेज SEO कैसे करेंगे, जो भी इमेजेस को आप अपने पोस्ट में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है Mavic Pro वाला जो हमने पोस्ट में यूज़ किया है, नीचे भी कई सारे इमेजेस है जिसको हमने पोस्ट में यूज़ किया है। सो इन इमेजेस के हम SEO देख लेते हैं। उसके लिए आप लेफ्ट हैंड साइड पे आप जाएंगे, मीडिया का ऑप्शन क्लिक करेंगे अपने डैशबोर्ड पे, और यहाँ पर जो भी इमेजेस थे, फॉर एग्जांपल ये एक इमेज था, इस पे क्लिक करें। अभी आपको कुछ इस तरीके से ये नज़र आएगा। अभी हर इमेज के लिए आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, टाइटल, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन। सो ये सब चीज़ें लोग नहीं डालते और हमको डालना है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है SEO के लिए। इससे क्या होता है कि गूगल आपके वेबसाइट पे जो भी इमेजेस है उनके ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट ढूंढता है। ये मैं आपको बता दूँ ये कब यूज़फुल होती है। पहले तो एक अगर मैं इस नए पोस्ट को अगर इस पोस्ट को मैं नए टैब में ओपन करके दिखाऊँ आपको, ये पोस्ट कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अभी आपने देखा होगा जब इंटरनेट आपकी स्लो होती है या फिर कुछ इमेज का लिंक प्रॉपर नहीं होता तो इमेज ब्रेक हो जाती है, और इमेज ब्रेक हो जाती है तो आपको मैं दिखाता हूँ कैसा होता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये इमेज अपलोड की, बट इमेज की लिंक अगर प्रॉपर नहीं थी तो इमेज ब्रेक हो जाएगी, और वो कैसे ब्रेक होती है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस लिंक को यहाँ से ख़राब कर देता हूँ, ऑलराइट, देख सकते हैं आप लिंक यहाँ से मैंने ख़राब कर दी, अभी वो इमेज गायब हो गया, और इमेज वो इमेज की जगह ये ब्रोकन इमेज का ये लिंक या फिर ये इमेज आपको आ गया, मतलब ये इमेज यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है। और जैसे ये इमेज ब्रेक होती है उसका ऑल्ट टेक्स्ट आपको यहाँ पर नज़र आएगा, मतलब वो इमेज के लिए ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो भी आपने तय किया है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा। और गूगल सर्च रिजल्ट्स इसे बहुत ही सीरियसली लेता है, बहुत ही ध्यान से देखता है। मतलब इससे क्या होता है, गूगल को पता चलता है कि ये जो इमेज है वो किस चीज़ की इमेज है, क्या किस चीज़ के बारे में ये इमेज आपने अपलोड की है। सो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में आप क्या टाइप करेंगे जो भी ये इमेज में है, फॉर एग्जांपल इस इमेज में क्या है, इस इमेज में आपका बेसिकली आपको तो रेकमेंड करूँगा यहाँ भी आप अपना सिंपली फोकस कीवर्ड टाइप कर दे, DJI Mavic Pro। अब इसमें क्या आपको टाइप करना है, बेसिकली एक तो आपका कीवर्ड टाइप कर दें,
और इस इमेज में जो भी चीज़ दिख रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ड्रोन दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ DJI Mavic Pro ड्रोन। सो जो भी चीज़ें, फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं, अगर इस इमेज में कोई फेमस पर्सनालिटी की अगर ये इमेज है, आप उन फेमस पर्सनालिटीज़ की का नाम यहाँ पर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल बिल गेट्स की अगर ये इमेज है, आप टाइप करेंगे बिल गेट्स स्टैंडिंग नियर अ बिल्डिंग इन न्यूयॉर्क, इस तरीके से कुछ आप ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट लिखेंगे, ताकि अगर ये इमेज लोड नहीं भी हो किसी के लिए, सो देख सकता है कि ये इमेज किस बारे में थी। ओके तो ये होता है ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। सेकंड है आपका टाइटल। टाइटल में मैं आपको रिकमेंड करूंगा सेम चीज़ यहाँ पर टाइप कर दे, टाइटल आप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कैप्शन, कैप्शन जो होता है वो डिस्प्ले होता है इमेज के नीचे, जिस तरीके से ये उसका कैप्शन है, फिर भी सेम यहाँ पर भी आप वही चीज़ टाइप करेंगे। इमेज में जो भी चीज़ है आप उसको यहाँ पर कैप्शन में टाइप करेंगे। ये दोनों चीज़ सेम है, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट और कैप्शन, दोनों का मकसद ये है कि जो इमेज में जो चीज़ है आप उसको टाइप करें। मगर इसमें मेन फ़र्क ये है कि ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो होता है वो होता है आपके सर्च इंजिन्स के लिए, और कैप्शन होता है आपके विजिटर्स के लिए। आप देख सकते हैं ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट पहले नहीं दिख रहा था, जब ये इमेज ब्रेक हुआ उसके बाद ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट नज़र आ रहा है। बट इसके नीचे जो कैप्शन है, ये रहा आपका कैप्शन, कैप्शन आपको हमेशा नज़र आएगा इमेज के नीचे, ये कैप्शन। सो कैप्शन होता है आपके विजिटर्स के लिए, तो विजिटर आपका आया, इमेज देखा, उसके नीचे ये कैप्शन लिखा हुआ रहेगा। और ये ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट सेम चीज़ है, बट ये होता है आपके सर्च इंजन के लिए। और डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑब्वियसली सेम चीज़, जो भी इमेज में है आप उसको थोड़ा और डिस्क्राइब करके लिखते हैं। ये सब चीज़ें टाइप करने के बाद आप इसे कट कर दे इस तरीके से। उसके बाद फिर से जो और भी इमेजेस आप यूज़ किए हैं उनके साथ भी आप सेम सेटिंग्स इसी तरीके से करेंगे। फिर से हम अपने SEO पे आ जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे लिए ये ऑप्शन टिक मार्क है, फोकस कीवर्ड फाउंड इन इमेज ऑल्ट एट्रीब्यूट्स। सेकेंड ऑप्शन है कीवर्ड डेंसिटी 0.46 विच इज़ लो, मतलब फोकस कीवर्ड एंड कॉम्बिनेशन अपीयर्स 6 times, मतलब ये जो आपका कीवर्ड डेंसिटी है, कीवर्ड डेंसिटी क्या है, जो आपका फोकस कीवर्ड है आपने उसे कितनी बार इस पोस्ट में यूज़ किया है। हमारा फोकस कीवर्ड है DJI Mavic Pro। सो बहुत बार क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं उसके बाद हम दिस का इस्तेमाल करने लगते हैं, मतलब हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करने लगते हैं, बिकॉज बार बार आप वो चीज़ को, पहले तो मैं इस तरीके से अपना आर्टिकल स्टार्ट करूँगा, DJI Mavic Pro इज़ अ वेरी गुड ड्रोन। उसके बाद मैं जब बात दूसरी इसके बारे में बात करूंगा तो मैं ये नहीं, बार बार ये नहीं बोलूंगा DJI Mavic Pro इज ऑल्सो अ वेरी गुड, DJI Mavic Pro ऑल्सो हैज़ अ वेरी गुड कैमरा, DJI Mavic Pro ऑल्सो हैज़ अ वेरी गुड बैटरी। सो ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, मैं फिर उसके बाद मैं क्या बोलने लूँगा, दिस ड्रोन हैज़ अ वेरी गुड कैमरा, इस तरीके से दिस इस्तेमाल करूँगा। सो ऑब्वियसली आपको भी वो करना चाहिए, बट उसके बाद आपको ध्यान रखना चाहिए, फिर 2-3 बार आप उसके बारे में बात करें, सो कहीं ना कहीं 3-4 बार आप ज़रूर DJI Mavic Pro के ये जो कीवर्ड है ये आप इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बेटर होगा। सो मैं यहाँ पर इसे कॉपी कर लेता हूँ और देखता हूँ मैं कहाँ कहाँ इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। ऑब्वियसली जब भी आप ये टाइप करें, ऐसा नहीं कि आप कहीं भी इस्तेमाल करें, जो आप सेंटेंस लिख रहे हैं वो सेंटेंस का कुछ सेंस बनना चाहिए। ओके मैं यहाँ पर इसे एक बार डाल देता हूँ, उसके बाद बेसिकली जहाँ भी ड्रोन या मैविक है मैं वहाँ पर इसे डाल देता हूँ। सो दिस देख सकते हैं आप, दिस यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, दिस इज़ द फर्स्ट 4K ड्रोन। तो हम यहाँ पर इस ड्रोन के बारे में बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ DJI Mavic Pro इज़ द फर्स्ट 4K ड्रोन। सो ये सेंटेंस का सेंस बन रहा है, अगर मैं कहीं भी बस DJI Mavic Pro या फिर अपना कीवर्ड डालने लगूं तो सेंस बनना चाहिए उस सेंटेंस का। ओके सो मैंने 2-3 जगह इसे कॉपी पेस्ट कर दिया इसी तरीके से, और भी आप कहीं चाहे तो इसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं इसे अपडेट कर देता हूं, फिर से हम SEO स्कोर पे जाते हैं, एडिशनल पे जाते हैं। अभी आप देखेंगे आपका कीवर्ड डेंसिटी थोड़ा और बढ़ गया, 0.61 हो गया। मैं इसे थोड़ा और भी कई जगह पे कॉपी पेस्ट कर देता हूं। ओके यस, सो मैंने इस कीवर्ड को कई जगह जहाँ पर सेंसिबल था वहाँ पर यूज़ कर लिया है। उसके बाद फिर से अगर हम यहाँ पर आएँ, अभी आप देखेंगे आपका कीवर्ड डेंसिटी 1 point के ऊपर है। सो बेसिकली आप मेक श्योर कि आप इसे 1 point के थोड़ा ऊपर रखें। अभी URL कैरेक्टर इज 50 characters लॉन्ग विच इज़ फाइन, मतलब अभी इससे क्या होता है, जो हमने पहले देख लिया है URL कैरेक्टर क्या होता है, अगर मैं इस पोस्ट को ओपन करूं, जो हमारा टाइटल से URL बनता है, जो हमने देखा है पर्मलिंक, ये आपका URL है। URL जो कैरेक्टर है आपका छोटा है, जो बहुत अच्छी बात है, हमारा ये छोटा है, ये बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। बहुत बार आप देखेंगे जो लिंक होता है वो बहुत बड़ा लिंक होता है। सो हमारा लिंक
काफ़ी छोटा है, हमने बहुत कई 5-6 वर्ड वो भी छोटे छोटे 3-4 लेटर के वर्ड यूज़ किए हैं, जो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर आपका पर्मालिंक बहुत बड़ा है सो आपको यहाँ पर एरर आएगा। सो आप अपने पर्मालिंक को थोड़ा छोटा करें और मेक श्योर बस उसमें आप कीवर्ड को अपने यूज़ करें, जो मेन आपका फोकस कीवर्ड है उसे आप यूज़ करें अपने पर्मालिंक में, बट उसे छोटा रहने दें, उससे बहुत बड़ा लिंक मत बनाइए। ऑलराइट, हमारे पास वो प्रॉब्लम नहीं आ रहा बिकॉज हमारा काफ़ी छोटा है, 58 कैरेक्टर्स का ही है सिर्फ। फिर उसके बाद हमारे वेबसाइट पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लिंक हैं। इंटरनल लिंक वो होता है जो आपके इस पोस्ट से आपके पेज के दूसरे सेक्शंस पे लेके जाएगा या फिर आपके ही वेबसाइट पे दूसरे पोस्ट पे लेके जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये फीचर्स पे मैं क्लिक करूँ, ये आप देख सकते हैं नीचे लेके चला गया। ये सब लिंक्स है जो मुझे दूसरे सेक्शन पे इसी पेज पे लेके जा रहा है। और भी कुछ लिंक्स हो सकते हैं जो आपको दूसरे पोस्ट पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर साइड में और भी कई पोस्ट हैं, टॉप 6 ड्रोन्स एक पोस्ट है। अगर कोई लिंक आप यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ ये वाले पोस्ट का, और मैं इसी लिंक को यहाँ पर कहीं पेस्ट कर सकता हूँ जहाँ पर भी मैं चाहूँ। तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर टाइटल को यूज़ कर लेता हूँ, ऑल्सो रीड का मैं डाल देता हूँ। ये भी आपने बहुत बार देखा होगा और दूसरे वेबसाइट्स पे, पहले मैं ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, सो ये मैंने टाइटल डाला और इसका लिंक मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ये वाला लिंक। ओके, उसके बाद मैं इसे अपडेट कर दूंगा। अभी क्या हुआ कि ये इंटरनल लिंक हो गया, मतलब लिंक है अवेलेबल पोस्ट पे बट वो लिंक आपके ही वेबसाइट पे आपको लेके जा रहा है, तो ये हो जाता है आपका इंटरनल लिंक। जब भी कोई इस लिंक पे क्लिक करेगा वो दूसरे पेज पे तो जाएगा बट वो आप ही का वेबसाइट का पेज होगा, कोई दूसरे वेबसाइट का नहीं होगा। एक्सटर्नल लिंक क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, ये पोस्ट को ओपन करता हूँ और इसी में किसी टेक्स्ट को, फॉर एग्जांपल मैं ये वाले टेक्स्ट को, जो ये टेक्स्ट है गिम्बल का टेक्स्ट है, तो मैं सपोज किसी दूसरे वेबसाइट पे लिंक कर देता हूँ। वो आप कैसे करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे लिंक पर, इंसर्ट लिंक, और यहाँ पर जो भी लिंक आपको डालना है वो पेस्ट करें। बट यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, पहले तो इस पर क्लिक कर दें गियर आइकन पे, हमेशा आपको ये चीज़ डालना चाहिए ओपन इन न्यू टैब। ओके, बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल लिंक्स आप यूज़ मत करें अपने पोस्ट पे, 3 से 4 मैक्सिमम एक्सटर्नल लिंक्स यूज़ करें, उससे ज़्यादा मत यूज़ करें। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ google.com। ओके, और मे भी मेरे वेबसाइट का नाम blogtoot.com डाल देता हूँ, ये भी एक दूसरी वेबसाइट हो गई, सो ये भी एक एक्सटर्नल लिंक हो जाएगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर मेक श्योर ये लिंक आपका न्यू टैब में ओपन है, इसे ऐड लिंक पे क्लिक कर दें। इसी तरीके से और भी कोई लिंक आप डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल अब मैं एक कंट्रोलर को भी एक नए पोस्ट पे या फिर एक नए वेबसाइट पे ओपन कर देता हूँ, इसे भी लिंक कर देता हूँ किसी वेबसाइट से, सेम वेबसाइट से मे बी, और मेक श्योर ओपन इन लिंक न्यू टैब इनेबल्ड है, उसके बाद ऐड लिंक पे क्लिक करके अपडेट कर दें। सो मेक श्योर आपके वेबसाइट पे कुछ इंटरनल लिंक्स भी है, कुछ एक्सटर्नल लिंक्स भी है। उसके बाद फिर से SEO पे चलते हैं, एडिशनल पे। अभी आप देख सकते हैं इंटरनल एक्सटर्नल लिंक दोनों है, और हमारा एटलीस्ट 1 एक्सटर्नल लिंक डू फॉलो के साथ है, मतलब कम से कम आपका एक एक्सटर्नल लिंक नए टैब में ओपन हो रहा है। ओके, सो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यू आर लिंकिंग टू अदर रिसोर्सेज ऑन योर वेबसाइट विच इज़ ग्रेट। जैसा कि मैंने किया यहाँ पर top 6 drones, सो ये हम अपने ही वेबसाइट के दूसरे रिसोर्सेज पे, दूसरे पोस्ट पे या फिर दूसरे सेक्शंस पे, सेम पेज के हम अपने ही वेबसाइट पे कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अपडेट कर दें। अभी यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, यू हैव ऑलरेडी यूज दिस फोकस कीवर्ड। ये जो फोकस कीवर्ड है DJI Mavic Pro का, ये मैंने पहले भी अपने एक पोस्ट के लिए यूज़ किया है, सो मैं आपको पोस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं इसे यूज़ करूँ, यहाँ भी आप देख सकते हैं DJI Mavic Pro का फोकस कीवर्ड मैंने यूज़ किया है। ये मैं इसे चेंज करके अगर DJI Mavic Pro 2 कर दूँ, ऑब्वियसली ये कुछ सेंस नहीं बनेगा, आप देखेंगे स्कोर 83 से सीधा 28 हो गया, बट इस वेबसाइट पे वो प्रॉब्लम हट जाएगी। सो आपको क्या करना है, मैं ये डेमो के लिए कर रहा हूँ इसलिए मैंने उसका फोकस कीवर्ड चेंज कर लिया, आप ऑब्वियसली ऐसा नहीं करेंगे। आपको ये करना है कि आप एक फोकस कीवर्ड के लिए एक ही आर्टिकल लिखे, 2-4 आर्टिकल वो भी सेम फोकस कीवर्ड मत लिखे। पहले मैं आपको दिखा दूं, अभी आप देखेंगे यू हैवेंट यूज दिस फोकस कीवर्ड बिफोर। ये 2-4 आर्टिकल सेम फोकस कीवर्ड पे क्यों नहीं लिखना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली मतलब है ये है कि 3-4 आर्टिकल आपके खुद के एक दूसरे से लड़ रहे हैं अच्छी रैंकिंग पाने के लिए गूगल पे, एक कीवर्ड के लिए खुद के आपके वेबसाइट्स, खुद के आपके आर्टिकल्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं उसके लिए, सो ऑब्वियसली doesn't make sense, so आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी हमारा लास्ट का जो दो ऑप्शन है, ये तो हमारा था बेसिक और एडिशनल SEO, लास्ट का दो ऑप्शन है वो रीडेबिलिटी पे डिपेंडेंट है।
टाइटल और कंटेंट रीडेबिलिटी। सबसे पहले आपका टाइटल रीडेबिलिटी, मतलब आपके टाइटल की रीडेबिलिटी को इम्प्रूव कर रहा है, मतलब आपके टाइटल कैची होना चाहिए, इस पर कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए तो लोग क्लिक करें। ऐसा एक सादा सुधा टाइटल नहीं होना चाहिए, ओके, एकदम बेसिक सा टाइटल नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हमें यहाँ पर क्या क्या करना है। सबसे पहले तो फोकस कीवर्ड होना चाहिए आपके टाइटल में जो है। सेकेंड ऑप्शन, योर टाइटल डज नॉट कंटेन अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव सेंटीमेंट। अगर आप इस नए लिंक को, इस टैब को नए लिंक में ओपन करें, आपको ये कुछ बताएगा पॉजिटिव नेगेटिव सेंटीमेंट्स के बारे में। आप इनके जो ये सब डॉक्यूमेंटेशन है उनको पढ़ें, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन का यहाँ पर ये दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर पढ़ें, आपको समझ में आएगा। सो मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं इस टाइटल को फिर से चेंज करूँ अपने इस पोस्ट के टाइटल को, और मैं इसे बना देता हूँ, इस डाल देता हूँ, एक सवाल बना देता हूँ, इसे एक क्वेश्चन बना देता हूँ इस टाइटल को, इस DJI Mavic Pro ड्रोन द बेस्ट ड्रोन इन 2020। मैं इसे कुछ इस तरीके से, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, पहले तो मैं क्वेश्चन मार्क डाल के इसे अपडेट कर देता हूँ, और जैसे ही टाइटल में चेंज करें एक बार उसे रिफ्रेश कर ले, ज़्यादा बेटर होगा। इससे तीन चार चीज़ें एक साथ हो जाएंगी, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या। फिर से पहले तो SEO पे चलते हैं, आप देखेंगे स्कोर तो पहले ही 95 हो चुका है। अभी टाइटल रीडेबिलिटी के सब की सब चीज़ें एक साथ ऑन हो गई। क्यों ऑन हो गई? पहले तो हम, ये तो पहले से ऑन थी कि हमारा फोकस कीवर्ड यहाँ पर है। टाइटल में अभी हमने एक पॉजिटिव या नेगेटिव का जो होता है सेंटीमेंट वो डाल दिया है, हमने पूछा, एक सवाल पैदा कर दिया लोगों के दिमाग में, क्या ये ड्रोन सचमुच बहुत अच्छा ड्रोन है 2020 के लिए या फिर नहीं है। अभी ये हमने इसे आंसर नहीं किया, एक सवाल रहने दिया है ताकि लोग क्लिक करें और जाने। सेकंड, हमने इसमें एक पावर कीवर्ड डाल दिया जो कि बेस्ट का हमने डाल दिया, मतलब बेस्ट है क्या, एक पावर कीवर्ड, ओके। तो आप बहुत सारे एक पावर कीवर्ड के लिस्ट भी है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं SEO पावर कीवर्ड्स, आपको पूरा एक लिस्ट मिल जाएगा, ओके। और एक उसके साथ हमने एक और चीज़ ये किया, हमने नंबर यूज़ किया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं 2020। नंबर भी बहुत यूज़फुल होता है लोगों को अट्रैक्ट करने में। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे बहुत सारे लोग आप देखेंगे टॉप 5 टॉप 10 वाले लिस्ट बनाते हैं, सो लोग देखना चाहते हैं टॉप 5 वेल्थीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, टॉप 5 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। और फेसबुक ट्विटर पर आप ये पोस्ट आजकल बहुत कॉमन है, वो लोग जो फेमस पेजेस है वो लोग आपको एक यू नो आर्टिकल्स शेयर करेंगे, वहाँ पर देखेंगे दिखाएंगे टॉप 5 richest एक्टर्स इन बॉलीवुड, नंबर 4 इज़ माय फेवरेट, नंबर 3 इज़ माय फेवरेट। सो वो क्या कर रहे हैं, वो आपको enthusiast कर रहे हैं, वो आपको चाह रहे हैं कि आप उस लिंक पे क्लिक करें, ज़रूर देखें, कि वो क्यूरियोसिटी आप में बढ़ा रहे हैं ताकि वो नंबर 3 कौन है, नंबर 4 कौन है, ओके। सो ये एक सिंपल सा ट्रिक है जो आप आजमा सकते हैं। उसके बाद कॉन्टेंट रीडेबिलिटी में सब की सब चीज़ें पहले से अवेलेबल है, आपको ये हो सकता है प्रॉब्लम देगा, यू सीम टू बी, मैंने तो पहले यूज़ करा हूँ टेबल ऑफ कॉन्टेंट यूज़ कर रहा हूँ, बट हो सकता है आप, ये टेबल ऑफ कॉन्टेंट बहुत ही कॉमन है, लोग नहीं यूज़ करते, बट मैं आपको दिखाता हूँ इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे। उससे पहले हम दो बाकी के दो चीज़ देख लेते हैं। हम शॉर्ट पैराग्राफ्स यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं 3-4 लाइन के, 5 लाइन के मेरे एक एक पैराग्राफ है, बड़े नहीं हैं। बहुत सारे लोग 25-25 लाइन के एक एक पैराग्राफ्स क्रिएट करते हैं और पूरे पोस्ट में एक या दो पैराग्राफ होते हैं, वैसा आपको नहीं करना चाहिए। 3-4 लाइन 5 लाइन के आपके पैराग्राफ्स होना चाहिए, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे खुद देख सकते हैं। और उसके साथ साथ पोस्ट में बहुत सारे लोग क्या, आप देखेंगे पूरे पोस्ट में सिर्फ कंटेंट रहता है, सिर्फ टेक्स्ट रहता है, सिर्फ ये लिखी हुई चीज़ रहती है, इमेजेस नहीं होती है, वीडियो कुछ भी नहीं होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके पोस्ट में कुछ इमेजेस भी होने चाहिए, कुछ वीडियोस भी होने चाहिए, ये आपके कंटेंट रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करेगा। अभी हम देख लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट वाली चीज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए आप एक काम करें, इसके लिए अगर आप एलिमेंटर प्रो यूज़ कर रहे हैं, प्रीमियम वर्जन एलिमेंटर का, सो अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन नहीं है, आप blogtoot.com/elementor पे जाके इसे परचेस कर सकते हैं। अभी जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, मैंने सब लिंक्स को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सो जो भी आपको लिंक्स देखना है, इंपॉर्टेंट लिंक्स, सब के सब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं $50, सिर्फ $50 में आप एक वेबसाइट के लिए एलिमेंटर प्रो यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा प्राइस है। और इसमें आपको ये जो एलिमेंट है हमें जो चाहिए टेबल ऑफ कंटेंट का, वो आपको मिल जाएगा। ये रहा टेबल ऑफ कंटेंट, आप इसे इस तरीके से यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें कहीं पर भी। शुरू में इसे हमेशा पोस्ट के सबसे ऊपर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहिए, ये टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएगा इस तरीके से। सो ये आपके SEO को इम्प्रूव करता है। अभी आप टेबल ऑफ कंटेंट, पहले तो मैं इसे काम करता हूँ, ऊपर लेके जाता हूँ, सबसे ऊपर इसे मैं पोस्ट के लेके जाता हूँ।
ओके मैं इसे सबसे ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ओके टेबल ऑफ कंटेंट को। अभी एक सेटिंग यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पर हेडिंग टू, हेडिंग थ्री, हेडिंग फोर, हेडिंग फाइव, ये सब अवेलेबल है। मतलब जितने भी आपने इस पूरे पोस्ट में हेडिंग टू, हेडिंग थ्री सब हेडिंग्स यूज़ किए हैं, सबको ये टेबल ऑफ कॉन्टेंट में डाल देगा। आपको क्या करना चाहिए, मैं इसे हेडिंग थ्री, फोर, फाइव, सिक्स को हटा देता हूँ, सिर्फ हेडिंग टू रहने देता हूँ। जो भी चीज़ें आप यहाँ से क्रिएट करें, जिसको भी आपको टेबल ऑफ कंटेंट के लिस्ट में डालना है। टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है, मतलब इस पोस्ट में अगर आप एक बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करें, जैसा कि मैं इसमें ड्रोन के बारे में, ड्रोन की फीचर्स के बारे में, उसकी इमेजेस के बारे में, उसकी वीडियोज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, सो आप जो भी उसका टाइटल देंगे, जैसा कि ये एक टाइटल है डिज़ाइन, डिज़ाइन को आप रखिए हेडिंग टू, बाकी सबको हेडिंग टू मत रखिए। ये फीचर्स यहाँ से शुरू हो रहा है, फीचर्स को हेडिंग टू रखिए। सो जो जो चीज़ों को आप हेडिंग टू रखेंगे वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाएंगी। हमेशा आपको ये करना चाहिए। टेबल ऑफ कंटेंट के लिए एक फ्री प्लगइन भी अवेलेबल है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ। अगर आप गूगल पे जाके टाइप करेंगे टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स वर्डप्रेस प्लगइन, ये वाली प्लगइन है जो आपको दिख सकती है, ईजी टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स। ओके ये भी बहुत ही फेमस, बहुत ही यूज़फुल प्लगइन है, आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने शुरू किया था 26 स्कोर पे, अभी हमारा 95 स्कोर हो चुका है। अभी आप सिमिलरली सेकंड वाले उस पर क्लिक करें, ऑप्शन पे, सेकंड वाले कीवर्ड पे, इसके लिए भी हमारा सब चीज़ ठीक है, बट अगर आपको इसके लिए कुछ ठीक नहीं है, आप इसके लिए भी इम्प्रूव कर सकते हैं स्कोर को। सो एक ही आर्टिकल को कई सारे कीवर्ड्स के लिए आप इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। और आई गेस इसी के साथ ये ऑप्टिमाइजेशन आपके पोस्ट का हो गया कंप्लीट। हम पीछे आ जाते हैं, हम पोस्ट और इमेज दोनों ऑप्टिमाइजेशन देख चुके हैं। अगर आपको प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज़ करना है, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोडक्ट्स क्रिएट किया है, अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए देख रहे हैं, उसके लिए प्रोडक्ट्स पर क्लिक करें। एक प्रोडक्ट मैंने ऐसी डेमो क्रिएट किया था सिर्फ दिखाने के लिए, एडिट पर क्लिक करें। अब ये आपका, इसमें दो चीज़ आप देख लें, पहले तो ये आपका जो बेसिक एडिटर होता है, जो क्लासिक एडिटर होता है वर्डप्रेस का, ये वो क्लासिक एडिटर है। और क्लासिक एडिटर में सबसे नीचे आप देख सकते हैं रैंक मैथ SEO का ऑप्शन, ये सब चीज़ें आपको नीचे मिल जाएंगी। और ये आपका प्रोडक्ट का भी ऑप्शन है, प्रोडक्ट में भी सेम ऑप्शन है, कुछ नए नहीं है, आप देख सकते हैं सेम ऑप्शन है। फोकस कीवर्ड डज नॉट अपियर इन टाइटल, फोकस कीवर्ड डिस्क्रिप्शन, फोकस कीवर्ड URL एट द बिगिनिंग ऑफ दी, सो ये सेम चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। सो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया है यहाँ पर, सेम स्टेप्स आप यहाँ पर करेंगे, आपका ये भी हो जाएगा कम्प्लीट। ऑलराइट ओके गाइस, सो इसी के साथ ये वीडियो होता है कम्प्लीट। मैं एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहता था आप लोगों के लिए, इसमें आई होप बहुत सारी बेसिक आपके लिए चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आप कुछ नया सीखे होंगे इस वीडियो से। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाए, ताकि आगे भी जो भी ऐसे यूज़फुल फ्री वीडियोज़ मैं क्रिएट करूँ, आप उन्हें देख सकें और उनसे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़रूर इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इसे शेयर करें। और थ्रू आउट दी वीडियो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो मेरे लिए, आप उनको नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।